वेलकम बैक। तो बहुत सारे फ्री फायर प्लेयर को जब वो फ्री फायर के अंदर रिप्ले ऑप्शन को ऑन करने जा रहे तो उन्हें कुछ एक पॉपअप देखने को मिलता है कि करंट डिवाइस डज नॉट सपोर्ट दिस फीचर। तो जब से फ्री फायर का न्यू अपडेट आया तब से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो कि बहुत सारे बंदों को देखने को मिल रहे है। और उनका जो फोन का एंड्रॉयड वर्जन है वो भी मतलब अच्छा है, मतलब 8 से आगे, फिर भी उनको एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और इससे मतलब पहले भी YouTube पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए थे इस मतलब इस प्रॉब्लम के बारे में। तो ये वीडियो आपको शायद इस वीडियो से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके जो फोन का एंड्रॉयड वर्जन अगर कम ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आपके जो फोन का अगर प्रोसेसर अगर कम हो, यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके फोन का अगर क्वाड कोर प्रोसेसर, तो शायद आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है तो मैं आपको एक मतलब सेटिंग बताऊंगा, तो आपको उसे ऑफ कर देना है। तो आपको क्या करना है, आपको फ्री फायर के अंदर आ जाना है। अंदर आने के बाद आपको सबसे नीचे जो मतलब है उसे क्लिक करना है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में सारे बटन को ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने फोन को यहाँ पर मतलब बंद करके फिर से चालू करना है। तो बहुत सारे बंदों की प्रॉब्लम मतलब ये सेटिंग ऑफ करने से बहुत सारे बंदों की प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। बट सारे बंदों की प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होगी, तो उनको क्या करना है, उनको जो फ्री फायर का नेक्स्ट अपडेट आता है तो तब तक आपको इंतजार करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में